नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में 15 अप्रैल से कांग्रेस शुरू करेगी भारत सत्याग्रह आंदोलन। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा ने दल बदल को लेकर कहा कि जो नेता पहले किसी और पार्टी में रहते हैं उनके खिलाफ तमाम के आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन नेता बीजेपी में जाते ही उस नेता के सारे दाग धुल जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने बताया कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए 15 अप्रैल से भारत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने जा रही है। कोरोना बीमारी के केस में व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विदेश से दवा बुलाने पर नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध सभी दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए व्यक्तिगत उपयोग के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली सभी दवाओं और बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी है। यही नियम विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए मंगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों पर भी लागू होगा। मध्य प्रदेश में आरटीई के तहत 1 लाख से अधिक बच्चों को निजी स्कूल्स में प्रवेश मिला। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के 27,261 निजी स्कूल्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इस वर्ष लगभग 1,34,851 बच्चों के द्वारा आरटीई के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। आरटीई पोर्टल के सर्वर पर सिंगल क्लिक के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक साथ 1,01,219 बच्चों को स्कूल्स का आवंटन किया गया। ग्वालियर चंबल अंचल को बड़ी सौगात। देश में पहली बार स्वदेशी तकनीक से बनाई गई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है। खास बात यह है कि इस ट्रेन की सुविधा प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल को भी मिलेगी। वे सेंट्रल रेलवे की ओर से जारी किए गए ट्रेन के स्टॉपेज शेड्यूल में ग्वालियर स्टेशन को भी स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि स्वदेशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ग्वालियर में स्टॉपेज दिलाने के संबंध में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। अप्रैल को प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नसीहत से प्रदेश भाजपा का संगठन सकते में है। असर यह हुआ कि तुरंत कोर कमेटी की बैठक तय कर दी गई, जो 7 अप्रैल को इंदौर में होने जा रही है। उस दिन मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों सहित संगठन के कई दिग्गज नेताओं को जमावड़ा शहर में रहेगा। प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आदि दिग्गज नेता शामिल हैं। आज 11 लाख दीपों से जगमगाएगा चित्रकूट, शहर में जमकर होगी आतिशबाजी। चित्रकूट में रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। यहां पर हर साल भगवान राम के जन्म दिवस पर विशाल संख्या में दिए जलाए जाते हैं। इस वर्ष रामनवमी 2023 में चित्रकूट में लगभग 11 लाख दीपों से जगमगाने की योजना है। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं और स्थानीय लोग अपनी भागीदारी ले रहे हैं। दरअसल भगवान श्री राम के प्राकट्य दिवस पर उनके भक्तों की उमंग और उत्साह अनुभूत देखने को मिल रही है। बदलेगा मौसम, 12 जिलों में बारिश की चेतावनी, गरज चमक, ओलावृष्टि का अलर्ट। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल 2 दिन तक मौसम शुष्क रहने के बाद 31 मार्च से एक बार फिर से मौसम में बड़े बदलाव नजर आएंगे। 1 और 2 अप्रैल को कई हिस्से में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई। इसके साथ ही तेज आंधी का पूर्वानुमान जताया गया है। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी को बताया सबसे अहंकारी नेता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में अमृतकाल चल रहा है लेकिन कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। इसके साथ फिर से गांधी नेहरू परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ इस परिवार का होने के कारण ही चल रहे हैं। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें न राष्ट्र की जानकारी है और न ही राष्ट्र नीति की। महावीर जयंती पर छात्र देंगे बोर्ड परीक्षा। प्रदेश सरकार ने महावीर जयंती के अवकाश को लेकर तारीख में संशोधन किया। अब यह अवकाश 4 अप्रैल के बजाय 3 अप्रैल को रहेगा, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने परीक्षा की तारीख में कोई संशोधन नहीं किया है। इस दिन 5वीं-8वीं का गणित विषय का पेपर है, जबकि 12वीं कक्षा का समाज शास्त्र का पर्चा रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल आगमन पर होगा भव्य स्वागत, मुख्यमंत्री शिवराज ने की तैयारियों की समीक्षा। भोपाल के नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर आगमन पर भव्य स्वागत करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह से रानी कमलापति स्टेशन जाने के यात्रा मार्ग में शिवाजी नगर में उपस्थित होकर उनका अभिवादन और स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 अप्रैल की भोपाल यात्रा की तैयारियों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।